चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद आज राष्ट्रीय लोकदल को पार्टी का नया मुखिया मिल गया। पार्टी के 34 सदस्यों ने वर्चुअल बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के नाम पर मोहर लगा दी और आज से जयंत चौधरी आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जयंत चौधरी को पार्टी की वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। निर्वाचित होते ही उन्होंने अपने तेवर भी दिखा दिए। 26 तारीख को प्रस्तावित किसानों के आंदोलन को पार्टी का समर्थन देने का ऐलान कर दिया। साथ ही इससे पहले उन्होंने स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान पार्टी के सभी 34 सदस्य वर्चुअल माध्यम से इस मीटिंग में जुड़े थे। राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जयंत चौधरी के नाम पर मोहर लगा दी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया अजीत सिंह के निधन के बाद ये तय माना जा रहा था कि जयंत चौधरी को ही संगठन की कमान सौंपी जाएगी। क्योंकि हालात सामान्य नहीं है और कोरोना महामारी का प्रकोप है, इसलिए वर्चुअल माध्यम से ये बैठक हुई और जयंत चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संगठन की कमान संभालने के बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही रालोद की जो राष्ट्रीय टीम है उसका विस्तार भी किया जाएगा। जयंत चौधरी की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों में होगी। किसान आंदोलन में फिर से जीवित हुई आरएलडी को चुनावों में जीत दिलाना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। सामाजिक समीकरणों को चुनावी नजरिए से साधने के लिए जयंत चौधरी अभी से कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं।